नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूं। हनुमानगढ़ धान मंडी में टूटे 6 दुकानों के ताले, 2 भाइयों की दुकान से 2,00,000 रुपए की नकदी चोरी, सीसीटीवी में नजर आए 2 चोर। हनुमानगढ़ जिले की जंक्शन धान मंडी में देर रात को 2 चोरों ने करीब 6 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की और फरार हो गए। धान मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों चोर नजर आ रहे हैं। शनिवार सुबह चोरी की सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और धान मंडी व आसपास के सीसीटीवी फुटेज देख आगे की कार्रवाई शुरू की। शातिर चोर 2 भाइयों की अलग अलग दुकानों से तकरीबन 2,00,000 से ज्यादा की नकदी ले गए। वहीं अन्य दुकानों सके मालिया चोरी हुई नकदी और अन्य सामान की जानकारी जुटा रहे हैं। धान मंडी के व्यापारियों और दुकानदारों ने मांग की है कि अगर दोनों चोरों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो वो अनिश्चितकालीन के लिए धान मंडी बंद भी कर सकते हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष के पुलिस की रात में गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। दुकानदारों ने बताया कि दोनों चोरों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। जंक्शन पुलिस सभी सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी हुई है। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल ने बताया कि वारदात आज सुबह करीब 3 बजे की है। 2 शातिर चोर वाटर कूलर से पानी पीने का कहकर धान मंडी में दाखिल हुए और 6 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी कर ली। अध्यक्ष ने बताया कि 2 चोर सीसीटीवी में नजर आए हैं, जिनमें एक की उम्र 14-15 साल और दूसरे की 20-25 साल नजर आ रही है। अध्यक्ष ने चौकीदार की लापरवाही बताते हुए कहा कि चौकीदार को इन युवकों का पीछा करना चाहिए था। मंडी में एक साथ 6 दुकानों की ताले टूटना बहुत बड़ी बात है। हम व्यापारियों व दुकानदारों की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। सेठी किराना व सेठी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक ने बताया कि उनके पड़ोसियों ने सुबह 7 बजे चोरी की सूचना दी। इस पर वह धान मंडी आए और ताले टूटे हुए मिले। दोनों करीब दुकानों से करीबन 2,00,000 से ज़्यादा नकदी चोरी हो गई। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि पुलिस रात में गश्त का दावा करती है, लेकिन एक रात में इतनी दुकान के ताले टूटने में गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, अन्यथा दुकानदार और व्यापारी मिलकर अनिश्चितकाल के लिए मंडी बंद कर देंगे। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि आप सबका साथ ही हमारी हिम्मत है। आप सबके साथ के कारण ही हम चैनल पर वीडियो प्रसारित करते हैं।